कढ़ाई वाला दूध आपको भारत के लगभग हर शहर में मिल जाएगा, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी कढ़ाई वाला दूध। जी हाँ, इस कढ़ाई में 10, 20, 50 लीटर नहीं बल्कि एक बार में 151 लीटर दूध चढ़ता है, और सीजन के पीक टाइम में तो सिर्फ 2 घंटे के अंदर 250 लीटर से भी ज्यादा दूध सोल्ड आउट हो जाता है यहाँ पे। और केवल क्वांटिटी ही नहीं, इस कढ़ाई वाले दूध को बनाने का तरीका भी है बहुत ही यूनिक, तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले गाँव से दूध मंगाया जाता है, और जो दूध यहाँ पर इस्तेमाल होता है वो केवल भैंस का दूध होता है। तो जो दूध आया है सबसे पहले देखिए उसको छाना जा रहा है कि उसके अंदर जो गंदगी है वो उसमें से निकल जाए, और उसके बाद अब इस दूध को गर्म किया जाएगा। और गरम सबसे पहले कढ़ाई में नहीं किया जाएगा बल्कि पहले इसे गरम किया जाएगा खोया निकालने वाली मशीन में, जिसके अंदर दूध घूमता रहेगा और पकता रहेगा। तो ये जो आप मशीन देख रहे हैं इसके अंदर 150 लीटर दूध डाला जाएगा पहले, उसे अच्छे से उबाला जाएगा, पकाया जाएगा। कोई आधे घंटे तक दूध को इस तरीके से पकाने के बाद इसमें केसर डाला जाएगा, और ये लिक्विड वाला केसर देखकर बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि फूड कलर डाला जा रहा है, लेकिन फूड कलर नहीं है, केसर को घिस के लिक्विड बनाया जाता है वो इसमें डाला गया है। अब केसर डालने के बाद भी ये दूध इसमें पकता रहेगा, और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध और डाला जाता रहेगा। पूरा 150 लीटर दूध इसमें लिया जाएगा और इसको आधे घंटे तक और पकाया जाएगा। उसके बाद देखिए अब चीनी ली गई है और चीनी डाली जा रही है इसके अंदर। 150 लीटर दूध में 5 किलो चीनी डाली है, थोड़ी देर इसे और पकाया जाएगा, और उसके बाद ये दूध अब यहाँ से बाहर निकाला जाएगा बाल्टियों में, और इन बाल्टियों से इस दूध को भेजा जाएगा कढ़ाई में। तो इतनी देर तो ये कढ़ाई में जाने से पहले ही पका लिया गया है दूध। और गाइस आप ये कढ़ाई देखिए, मतलब कढ़ाई क्या ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही बड़ा तवा है, क्योंकि कढ़ाई का साइज इतना चौड़ा है तो गहराई इसकी आपको नजर नहीं आ रही है। इसको पहले सेटअप किया जा रहा है कढ़ाई को कि ये हिले ना, और उसके बाद ये जो अपना बाल्टियों में दूध लिया था ये धीरे धीरे करके इस कढ़ाई में डाला जाएगा। तो सबसे पहले देखिए पहला कनस्तर डाला जा रहा है दूध का, वो डाल दिया इस कढ़ाई में। उसके बाद एक और कनस्तर दूध का इसमें भर के डाल दिया है, और तीसरा कनस्तर भी दूध का इसके अंदर भर के डाल दिया गया है। और गाइस देखिए अभी भी कढ़ाई लगभग पूरी खाली नजर आ रही है। इसके बाद देखिए 2 बाल्टी भर के एक साथ दूध डाला जा रहा है इसके अंदर, और अगर ये भी कम लगा हो तो और देखिए 2 बाल्टी और आ गई है, और 2 बाल्टी इसके अंदर उलट दी है। और गाइस अभी तो समझिए आधा दूध भी नहीं आया इस कढ़ाई में, लगातार बाल्टी भर भर कर दूध की आती रहेंगी और इस कढ़ाई में उल्टी जाती रहेंगी, पलटा लगातार चलाया जाता रहेगा, और इसी तरीके से दूध ये यहाँ पे कढ़ाई में पकता रहेगा। आपको लगा होगा इतनी सारी बाल्टी भर के दूध डाला जा चुका है कढ़ाई में तो कढ़ाई भर गई है, नहीं, अभी तो इसमें आधा दूध भी नहीं आया है, लगातार बाल्टियां भर के दूध की इसी तरीके से आती रहेंगी, इस कढ़ाई में डाली जाती रहेंगी। फाइनली जब सारा दूध कढ़ाई में आ जाएगा तो इसमें हल्की सी चीनी डाली जाएगी और थोड़ा सा इसमें केसर का लिक्विड और डाला जाएगा, और उसके बाद भगोना लेकर इस दूध को उछाल उछाल कर तोड़ तोड़ कर कोई आधे घंटे पकाया जाएगा। उसके बाद आंच धीमी कर दी जाएगी और इस दूध को लगभग 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया जाएगा धीमी आंच पर। दूध को धीमी आंच पर पकते पकते कोई 1 घंटा हो चुका है, आप देखिए मलाई जम चुकी है इसके चारों तरफ काफी मोटी। अब इसके ऊपर जो दूध का गर्म मसाला है वो डाला जा रहा है, जिसमें मेनली जावित्री और जायफल है। ये जो दूध का गरम मसाला है ये इस दुकान की खासियत है, और देखिए पूरी कढ़ाई में चारों तरफ मलाई के ऊपर ये गरम मसाला जो है दूध का इन्होंने डाल दिया है। और गरम मसाला डालने के बाद देखिए दूध के ऊपर थोड़ा सा पिस्ता भी डाला जा रहा है इसकी सजावट करने के लिए मेनली। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा दूध को, फिर एक भगोने में यहाँ की जो स्पेशल लच्छेदार रबड़ी है वो ली जाएगी, और जो इतनी मेहनत करके कढ़ाई का दूध तैयार किया गया है वो उस रबड़ी के अंदर ही डाल दिया जाएगा। अब ये रबड़ी और दूध को अच्छे से मिलाया जाएगा, और इसे मिलाने के बाद एक ग्लास के अंदर ले लिया जाएगा, और दूध के ऊपर जो इतनी मोटी अपनी मलाई जमी है उसकी 2 लेयर्स उतार के इस दूध के ऊपर डाली जाएंगी। गाइस दूध अपना बनके तैयार हो चुका है, अब टेस्ट देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। ऊपर जो है अच्छी खासी मोटी लेयर है मलाई की, जिसपे ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, और दूध के अंदर भी केसर डाला हुआ है, मलाई के ऊपर भी केसर डाला हुआ है, तो केसर का बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है। जावित्री डाली हुई है उसका भी टेस्ट आ रहा है। 65 रुपए प्राइस है ग्लास का, जिसमें दूध भी है और रबड़ी भी है। टेस्ट लाजवाब है। अगर आप इंदौर आ रहे हैं और आपको दूध पसंद है तो ये वाला दूध आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा आपको भी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।